हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तैयार हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ जामड़ी खाल किसी को मिलने। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है। अकेले ही जाना पड़ेगा आज, क्योंकि अनुज लोग तो चले गए स्कूल, फिर बची मैं। मुझे अकेले ही जाना है, फ्रेंड लोग भी कोई जा नहीं रहा। अभी ये देखो, कच्ची रोड दिख रही है हमारे गांव की। अभी ऊपर जाना है, यहाँ पे देख सकते हो अब एक बंदर आ रहा है छुपके छुपके पानी पीने। और अभी मुझे जाना है पक्की रोड में, और टाइम हो चुका है 9, और गाड़ियाँ शायद अब जाएंगी नहीं। 9 बजे के बाद यहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं जाती, फिर भी देखते हैं मिल ही जाएगी किसी ना किसी की। चलो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, पहुँच चुकी हूँ मैं अपने गांव की रोड में। अभी तक गाड़ी नहीं आई, आएगी आएगी या नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन इंतज़ार करेंगे गाड़ी का, देखते हैं। तो गाइस, गाड़ी भी मिल चुकी है और हम बैठे हैं गाड़ी में, पहुँच चुके हैं बगड़वाल धार। तो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ जामणी खाल। ये है जामणी खाल का मार्केट। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, आप देख सकते हो जामणी का मार्केट। यहाँ पे बैंक है, ये मार्केट है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तैयार हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ जामणी खाल किसी को मिलने। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है। अकेले ही जाना पड़ेगा आज, क्योंकि अनुज लोग तो चले गए स्कूल, फिर बची मैं। मुझे अकेले ही जाना है, फ्रेंड लोग भी कोई जा नहीं रहा। अभी ये देखो, कच्ची रोड दिख रही है हमारे गांव की। अभी ऊपर जाना है, यहाँ पे देख सकते हो अब एक बंदर आ रहा है छुपके छुपके पानी पीने। अभी मुझे जाना है पक्की रोड में, और टाइम हो चुका है 9, और गाड़ियाँ शायद अब जाएंगी नहीं। 9 बजे के बाद यहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं जाती, फिर भी देखते हैं मिल ही जाएगी किसी ना किसी की। चलो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, पहुँच चुकी हूँ मैं अपने गांव की रोड में। अभी तक गाड़ी नहीं आई, आएगी या नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन इंतज़ार करेंगे गाड़ी का, देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, आप देख सकते हो जामणी का मार्केट। यहाँ पे बैंक है, ये मार्केट है। तो गाइस, आप देख सकते हो हम खेत में पहुंच चुके हैं, और अभी हम इसको काटेंगे जंगरेटे। तो गाइस, ये काट के ऐसे सुखाना है, और मौसम देख सकते हो धूप नहीं है, क्या पता बारिश आ जाए, ये सारा घास फिर ख़राब हो जाएगा। देखते हैं, काट लेते हैं क्या होता है फिर। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इतना सारा काट दिया है, और अभी तक मम्मी नहीं आई। 11 बज चुके हैं, अभी बहुत सारा है। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ खेत से घर। अभी घर भी नहीं गई, मंदिर में बैठी हूँ। यहाँ पे मैंने अपने घास रखा है,
ये देख सकते हो आप, घास सुखाने के लिए भी रखा है। इसको भी इस पेड़ में लगाएंगे सारा घास। अभी ये सूख रहा है, अभी मुझे इसको दोबारा पलटना है। इसको पलटती हूँ अब। चलो तो गाइस, जो हम ये घास को सुखा रहे हैं, इसको अच्छे तरह से सुखाने से घास ख़राब नहीं होती जल्दी। फिर इसको लगाएंगे पेड़ में, अभी दिखाऊंगे आपको। शाम को लगाएंगे सर। अभी फिलहाल इसको तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ पानी पीने, प्यास भी लग चुकी है। पानी पी के आती फिर जाती हूँ घर। ये जी डिग्गी, यहाँ ठंडा ठंडा पानी मिलता है। तो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ, घर पहुँच चुकी हूँ। देखो यहाँ भी घास, ये मैंने सुबह लाई, मैं सुबह डाला था यहाँ। और ये भी है, ये सारा एक साथ लगाना है। देख सकते हो कितना सारा घास है, इसको भी ऊपर लेके जाना है। हैं और मैं बैठी हूँ अनुज, ये देख सकते हैं चाय पी रहे हैं यहाँ पे, और आरती फ़ोन चला रही है। मैं तो बैठी फ़िलहाल, अभी मैं डिसाइड कर रही थी कि फ़ोटो कहाँ लगाऊं, क्योंकि मैंने सगाई की फ़ोटो फ्रेम करने दे रखी थी, तो वो आ चुकी हैं, तो मैं उन्हें लगाने जा रही थी। देख सकते हैं आप, एक ये है, एक ये है, और एक मेरी बहन की है। ये तूने करवाई? ये नहीं करवाई मैंने, हर जगह फ़ोटो ही दिखेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ लगाऊं। वहाँ पे एक जगह खाली है गाइस, उतना तो कमरा नहीं है जितनी वही तो एक यहाँ पे लगा लूँगी मैं, पर तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं ये वाली कहाँ लगाऊं और ये वाली कहाँ लगाऊं। ये तो मैं सामने ही लगाऊंगी, खैर ये वाली अभी देखती हूँ क्या प्लान बनता है। सुबह लगाऊंगी वैसे तो, ये वाली लगा देते अभी ब्लॉग बनाने का, क्योंकि गांव में मतलब इतना सारा काम है, लोग तो इसको चले जाते हैं। फिर मैं ही हूँ घर में, मम्मी है, मम्मी घर का काम करती है, फिर घास वगैरह भी जाती है मम्मी, फिर हमें भी जाना है, मुझे भी जाना ही पड़ता है। मतलब घास तो मैं और मम्मी घास भी जाते हैं, घास भी काटते हैं, तो टाइम नहीं लग पाता ब्लॉग बनाने का। अब ऐसे ही अनुज का ब्लॉग भी मुझे ही बनाना पड़ता है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ।